ये गाना बना रहे थे, तो जब गाना कहते हैं कि प्रोडक्शन में था, तो एक सजेशन वन ऑफ आर फ्रेंड नीरज का था कि इसको चूँकि मानसून का सॉन्ग है तो मानसून पे रिलीज़ करना है। पर हमें अभी 10 दिन पहले ही, जब ये आई वॉज सेटिंग इन वन ऑफ द रेडियोज, तो वहाँ पर पता लगा कि 27th बेसिकली इज़ द एनिवर्सरी ईयर ऑफ आडिदा। और चूँकि मेलेडी गाना बहुत ही मेलेडियस था, और आडिदा बेसिकली आप कह सकते हैं कि मेलेडी में अगर बहुत अच्छा और बड़ा ही क्लासिफाइड वर्क किया है तो आडिदा ने किया है, तो इससे बढ़िया दिन मिल नहीं सकता था। और हमने सोचा कि 27th को ही रिलीज़ करते हैं, एंड लकीली सब चीज़ें, वी गॉट सेंसर यस्टरडे और आज ही ये गाना शुरू हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि ब्लेसिंग्स हैं दादा की, इतने पुण्य दिन के ऊपर ये रिलीज़ हुआ है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। तो बारिश और मानसून से क्या कनेक्ट है, हर सीजन में गाना आप रिलीज करते हैं? सी, बारिश इज़ ऑल अबाउट म्यूज़िक। मानसून जब आता है तो आप देखते होंगे कि आपको कुछ जिनको आप चाहते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, मतलब जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो सब करना चाहते हैं। इस मौसम में ये कह सकते हैं कि बारिशें आपका एक अच्छा मूड स्विंग कर देती हैं। और बारिश पे जब मैंने बाबूजी के साथ ये गाना रिलीज़ किया था बारिश के बहाने, तो जो भी फैंस थे, म्यूज़िक फैंस थे, उनका एक ये था कि आप हर साल बारिश पे एक गाना करें। लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली वी मिस्ड इट आउट, बट दिस ईयर बारिश की बूंदें जैसे ही रिलीज़ हुआ है, आप देखें कि इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है। हमने अभी कुछ देर पहले ही रिलीज़ किया है और सब तरफ इसका शेयरिंग हो रहा है, लोग दिल से इस गाने को चाह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें इसके साथ प्लस हैं, एक तो मेलेडी है, दूसरा ये वेदर इतना खूबसूरत है कि जो गाने के बोल हैं, तू मैनू याद याद बहुत ऑन दिए, यानी कि आप जिसको भी मिस करते हैं उसको इस मौसम में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बारिश के बहाने के बाद बारिश की बूंदें एक उसमें प्लस है, एक सिकल है। और अभी देखते हैं, अभी तो रिलीज़ ही हुआ है, तो जैसा रिस्पॉन्स है, ये गाना लोगों तक पहुंच रहा है, तो बहुत पसंद आना भी चाहिए, क्योंकि हमने बड़े दिल से बनाया है इसको। राजीव जी, आपका ये गाना है शेर पुत्र मेरे लिए बड़ा इजी हो गया था। जो म्यूज़िक एल्बम में 90% हिस्सा होता है संगीत का और गीत का, जब संगीत और गीत हमने सुना तो 90% तो मैं प्लस हो चुका था, 10% मुझे करना था जो मैंने किया है, तो 90% योगदान सेजूर साहब ने पहले ही अच्छा गीत और अच्छा संगीत करके दे दिया था। तो जब प्लानिंग की तो कैसे हमने के नई, बड़ा इजी प्लानिंग, जब मैंने सॉन्ग सुना तो जनरली होता क्या, फिल्म का सॉन्ग होता है उसमें गीत कहानी को और डायरेक्टर के काम को सपोर्ट करता है। म्यूज़िक एल्बम का जो गीत होता है वो गीत और संगीत अपने आप में 90% सक्सेस हो जाता है। अगर गीत और संगीत अच्छा है तो डायरेक्टर का काम बड़ा इजी हो जाता है। जब मैंने संगीत सुना तो मैंने बोला कि मेरे लिए तो बड़ा इजी है इस चीज़ को सक्सेस पहुंचाना, कम मेहनत में। सेजूर सर, आपसे जानना चाहूँगा, बारिश की कोई अगर मेमोरी हो, अगर आप शेयर करना चाहें, क्योंकि सॉन्ग ये बारिश पर है, अगर आप दोनों की अगर कोई मेमोरी हो, अगर आप हमारी ऑडियंस जी मेमोरी, जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ ही हुआ था, मेरा पहला गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था, मेरे पिया गए रंगूर, उसके बाद जो रेंज आई थी तब मैं बॉम्बे में प्रॉपर शिफ्ट हुआ था, मैंने उस रेंज को इतना एंजॉय किया था, और उस टाइम जगजीत सिंह साहब के कुछ बारिश की एल्बम आई थी, उसको सुन रहा था लोग, क्योंकि उस टाइम मैंने पॉप में डेब्यू किया था, तो ज़्यादातर जो म्यूज़िक लवर्स थे वो मेरे से पॉप ही एक्सपेक्ट करते थे, तो तब तक तो मैं बारिश पे कुछ नहीं कर पाया, बट या ऑफकोर्स जब मुझे चांस लगा मैंने बारिश के बहाने किया और बारिश की बूंदें किया। बारिश का एक्सपीरियंस कुछ विशेष एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं रहा सर, मैंने सॉन्ग अच्छा सुना, कोई मेमोरीज है अगर बारिश से? ऐसा कोई मेमोरीज नहीं है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप बहुत सारे गाने बनाते हैं और उसमें फीचर भी करते हैं, तो कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है और कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा ईजी? सी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ईजी रहता है म्यूज़िक करना, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ म्यूज़िक को, और इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि जो सिंगिंग, मैंने इस बार प्रॉपर सिंगिंग पूरा सिंगल ही गाया है, थोड़ा वो मेरे लिए इस बार डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं फुल टाइम सिंगर नहीं हूँ, बट हाँ
बिकॉज वी बिलोंग्स टू दिस म्यूजिक फ्रेटर्निटी, तो वी नो जब सिंगर से हम लोग गाने गवाते हैं कि वो कैसे होता है, तो वो प्रोसेस तो पता था, पर हाँ सिंगिंग करने के लिए आपको प्रॉपर रियाज करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पर इस गाने को गाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। एंड थर्ड चैलेंजिंग था आप कह सकते हैं कि फीचर होना। फीचर होने में ये चैलेंज था कि राजीव जी ने एक स्टोरी कंसीव किया हुआ था, तो उसके लिए एक एक्टर की ज़रूरत थी। मैं एक म्यूजिशियन हूँ, तो चूँकि मैंने गाना गाया भी था, तो उसको मैं बहुत अच्छे से कह सकते हैं इंटरनलाइज किया हुआ था। तो फीचरिंग करने में चैलेंज था, बट गॉड इज़ काइंड कि मुझे जब मैं कैमरा फेस कर रहा था तो सडनली एक बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ गया और ये गाना बहुत ही एक अच्छे स्पिरिट में शूट हुआ। तो बहुत चैलेंजिंग मेरे लिए शायद सिंगिंग रही। मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। जब पहली बार सेजगुर साहब के साथ मैंने फेस पे मेकअप लगा के कैमरे के सामने लाया, तो मैं बड़ा डरा हुआ था कि एक संगीतकार से एक्टिंग मैं कैसे करा पाऊँगा। शूटिंग की वेरी नेक्स्ट डे सैटरडे था, हम लोग किसी रिसॉर्ट में शूट कर रहे थे और वेरी नेक्स्ट डे रिसॉर्ट में इतनी भीड़ हो जाती कि हम शूटिंग नहीं कर सकते। तो मेरे पास कम समय था काम को कम्प्लीट करने के लिए। मन में एक डर था कि एक संगीतकार से एक गीतकार से एक्टिंग करवाना कहीं समय ज़्यादा ना लग जाए, लेकिन जैसे ही पहला मैंने एक्शन बोला तो सेजूर साहब ने इतने कंफर्ट जोन में काम करना शुरू किया। तो मैंने इनके कान में धीरे से जाके बोला कि आप आगे भविष्य में भी अपनी इस कला को दर्शकों तक दिखाते रहिए। आज आरडी बर्मन साहब का जन्मदिन है, आपका कोई पसंदीदा गाना है, अगर उस गाने की दो लाइनें आप गुनगुनाना चाहें हमारे ऑडियंस? आरडी दा के तो बहुत सारे गाने मेरे फेवरेट हैं, बट उनमें एक ऐसा गाना है जो यूनिवर्सली फेवरेट है, सब लोगों का फेवरेट है, उसको गाता हूँ। चुरा लिया है तूने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। ले लिया दिल, आए मेरा दिल, आज दिल लेकर मुझको ना तड़पाना, चुरा लिया। सर बहुत ही अच्छे से गाया, क्या हम लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस गाने का मतलब कोई रीमेक बने या फिर कोई रिक्रिएशन हो आपकी तरफ से? सी, मैंने आरडी दा के बहुत सारे गाने रिक्रिएट किए थे, जबकि एक एरा था पूरा एल्बम आता था जिसमें 10 गाने होते थे, तो मैंने बहुत सारे आरडी दा के गाने रिक्रिएट किए हैं। चुरालिया नहीं किया, चुरालिया को शायद जो मैंने अभी एक पर्दे में रहने दो एक गाना रिक्रिएट किया, क्या हुआ तेरा वादा रिक्रिएट किया, क्या हुआ तेरा वादा भी आरडी दा का गाना है। तो टेंटेटिवली या ऑफकोर्स चुरालिया आपने अच्छा मुझे सजेशन दिया है, मैं इसके लिए अटेम्प्ट करूँगा पक्का। बारिश दी बूंदे जदों, बारिश दी बूंदे जदों पिंड बिच आंदी है, तू मैनू याद, याद बहुत आंदी है, तू मैनू याद, याद बहुत आंदी है, तू मैनू याद, याद बहुत आंदी है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और मैं बस नरेंद्र जी ने कहा कि आप मिले जाके एक बहुत बड़ा गाना करने वाले हैं, तो देखिए क्या बात होती। तो मेरी मुलाकात हुई सेजूर जी से, तो काफ़ी अच्छा रहा मीटिंग हमारा, और उनको भी मैं पसंद आई, मुझे भी था कि हाँ काफ़ी अच्छा एक गाना करने वाले हैं वो लोग। तो बस इस तरीके से कितना चैलेंजिंग रहा, यू नो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी काफ़ी चेंजेस थे, कैनवस बड़ा है गाने का, तो हाउ नर्वस, हाउ कन्वीनियंट, टेल अस योर एक्सपीरियंस। तो एक्चुअली क्या था, हमारे पास टाइम लिमिट बहुत कम था और चेंजेस आई थिंक 6 चेंजेस वर देयर, सो जल्दी जल्दी करना पड़ा। और शुरू में थोड़ा सा एक्चुअली पियानो का इशू हो गया था, लेट हो गया आने को, तो फिर हमने सारा ट्रैक रात को ही शूट किया है, और आई थिंक 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स ये शूट कर लिया था पूरा गाना। और सबको बहुत एक्चुअली सबने बहुत हार्ड वर्क किया है, क्योंकि हर एक लुक में देयर आर डिफरेंट मेकअप, डिफरेंट हेयर, और लोकेशंस आर वेरी डिफरेंट, तो सेटअप अरेंज करने में, सब कुछ करने में काफ़ी टाइम जा रहा था, पर फिर भी मतलब एवरीबडी वॉज वेरी कोऑपरेटिव। तो आपके लिए अपना एक फेवरेट लुक होता है, यू नो एवरीबडी हैज़ अ फेवरेट लुक इन द सॉन्ग, तो आपका कौन सा फेवरेट लुक है?
मेरा फेवरेट लुक वो बारिश वाला ही है, बिकॉज क्या होता है कि जब बारिश आती है तो आप ओपन अप हो जाते हो और उसको पूरा इंजॉय करते हो. एंड इट इज द थिंग आई एम वेयरिंग देयर इज कैजुअल, तो ऑब्वियस आपका कैसा एक्सपीरियंस था सारा के साथ आपने खास किया सॉन्ग के लिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. एक मेरे लिए डर तो था शुरू में, डर ये था कि हमारा जो मेल एक्टर सेजवुड साहब थे वो एक्टर नहीं थे, वो भी एक मन में डर था. ज़ारा भी पहली बार कर रही थी, ये भी डर था. और प्रोड्यूसर की तरफ से मुझे गन पॉइंट पे लिया गया था, टाइम लिमिट में मुझे ख़त्म करना है काम. प्रोडक्शन ने भी हमें परेशान किया था शुरू में, हमें जो है हमारी ज़रूरत की चीज़ें काफ़ी लेट किया था. बट जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया तो हमारे दोनों एक्टर ने इतना अच्छा किया कि वो डर मेरा पहले ही सीन में ख़त्म हो गया था. अच्छा था, क्योंकि जब हम एक सीक्वेंस कर रहे थे इन द नाइट, जो सीक्वेंस था कि बेसिकली वी आर सिटिंग ऑन डिनर टेबल, तो वो सीक्वेंस हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे. वी वर टेकिंग टाइम इन द शॉट. फिर राजू जी ने आके कुछ ज़ारा के कान में बोला और वो सीक्वेंस अच्छे से फाइनली हो गया. तो एक्सपीरियंस यही है कि कम टाइम में जब आपको चैलेंज होता है और अच्छा काम करना होता है, गाना बहुत अच्छा था, तो हम लोगों के दिमाग में ये चैलेंज था कि वो वीडियो भी उतना ही सोलफुल होना चाहिए जितना सोलफुल गाना है. और ये राजीव जी का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था, जो मेरा रियल लाइफ इंसिडेंट था बेसिकली. मैं 2007 में जब अपना नॉर्थ इंडिया टूर कर रहा था, मेरे डीजेइंग के शोज़ थे, तो उस टाइम ये एक रियल इंसिडेंट था मेरे साथ जो इन्होंने अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली इस वीडियो में डाला है. तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक रिलेशनशिप में कई बार आपका जो सेलिब्रिटी स्टेटस है वो भी आड़े आता है. तो कुल मिला के ये था कि एक रियल टाइम सोलफुल हमें गाना करना था, जो कि चैलेंज था, और फाइनली हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है. सर, ये आपका पहला म्यूजिक वीडियो था, आप फीचर कर रहे थे, आप फीचर कर रहे थे, ये कैसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे शूटिंग से, जो हम आप ऑडियंस के साथ बताना चाहेंगे कि ये हुआ, तो हमेशा याद रहेगा? ज़ारा का तो ज़ारा बताएगी. मैंने आपको जो मेरा था कि हम मॉर्निंग में आई वॉज स्लेस्ड और मैंने सोचा कि शूटिंग ख़त्म हो गई, तभी राजीव जी की असिस्टेंट मेरे रूम में आती है जब मैं अपना मेकअप उतार चुका था. शी सेड अभी एक सीक्वेंस बचा हुआ है. तो मुझे ऐसा लगा कि अभी एक सीक्वेंस और करना है. एंड आई वाज लाइक चलो यार जल्दी ख़त्म करते हैं, अभी बहुत हो गया, पूरी रात से हम लोग शूट कर रहे हैं. तो मैं बहुत थक गया था फाइनली. लेकिन जब वो शूट हुआ और लास्ट शॉट के बाद इतना अच्छा फील था कि आई कांट टेल यू. हम लोग इतने गाने बनाते हैं, क्योंकि ये चैलेंजिंग इसलिए था कि ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे. शूट तो मैंने बहुत किए हैं, पर उधर मैं छोटा फीचरिंग करता था, या तो रैप पोर्शन में फीचर होता था या तो डीजेइंग में फीचर होता था. ये फर्स्ट टाइम था कि आई एम फीचरिंग एज एन मेल मॉडल, तो बहुत चैलेंजिंग था. लेकिन जब हुआ तो बहुत इंटरेस्टिंग. और जब मुझे राजीव जी ने बुला के एडिटिंग टेबल पे आई वॉज ट्रैवलिंग, तो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक वीडियो क्लिप भेजा एडिट का, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया और मुझे इतना अच्छा लगा, आई कांट टेल यू. मैम, आपका एक्सपीरियंस दोनों के साथ काम करते हुए? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत कोऑपरेटिव थे ये लोग. जैसा कि शहजुल जी ने बताया कि वो एक सीन बहुत टाइम लग रहा था, जिसमें वो डिनर टेबल वाला सीन था, तो फिर उसके बाद इन्होंने आके मुझे बताया. वो सीक्रेट क्या था? क्या सीक्रेट ऐसे था कि ये बड़ी हो जाती है, दिल से जब आप कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं तो आंखों पे वो सच्चाई नजर आती है. तो मैंने ज़ारा के कान में ये जा करके बोला कि आप फील करो कि सामने बैठा हुआ आदमी जिससे आप प्यार करती हूँ वही है. जब आप दिल में वो फील करोगी तो आपकी आंखों में आ जाएगा और फिर वो ज़ारा की आंखों में आप लोगों को दिखेगा. ओके ज़ारा जी, इसके अलावा मैंने दोनों सर को पूछा था कि बारिश की ऐसी कोई मेमोरी है जो आप अगर शेयर करना चाहें, अगर आपकी कोई ऐसी कोई मेमोरी है बारिश को लेकर, तो अगर आप शेयर करना चाहें, और बारिश का कोई ऐसा कोई गाना इसके अलावा आपका कोई पसंदीदा? बारिश की मेमोरी तो मेरी और शहजुल जी की है. इस बार ही क्या हुआ कि राम जी का एक गाना रिलीज़ हुआ था, तो उन्होंने एक पार्टी दी थी, तो तब तक बारिश नहीं हुई थी बॉम्बे में, मतलब पहली बारिश थी, और मैं और शहजुल साथ में ही जा रहे थे, तो कार में हम लोग बैठे हुए थे और तभी बारिश स्टार्ट होगी. तो मैंने कहा इनको कि शहजुल, हम लोगों ने बारिश का गाना किया है और उसके बाद इस साल की पहली बारिश हम लोग साथ में ही देख रहे हैं, मतलब किस्मत से, तकली, तो वही बस.
कोई फेवरेट गाना बारिश का जो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए? बारिश की बूंदें यही फेवरेट है, यही फेवरेट है। और भी बहुत से बारिश का तो आई थिंक हर गाना अच्छा होता है, मतलब जो भी अब तक बना है सब। ये बेसिकली क्या है कि मानसून और बारिश मूड ही इतना अच्छा कर देती हैं कि जो भी गाना आप इसमें सुनेंगे जो बारिश का है वो भी, और जो नॉन बारिश सॉन्ग होता है वो भी इसमें अच्छा लगता है। तो आप कह सकते हैं कि वेदर ही इतना खूबसूरत होता है कि आपको म्यूजिक से रिलेट करते हैं आप। दोनों से लास्टली एक लाइन सुनना चाहेंगे मैम से बारिश की बोलने। बारिश दी बूंदे जदों, बारिश दी बूंदे जदों पिंड बिच आंदी तू मैनू याद, याद बहुत आंदी तू मैनू याद, याद बहुत आंदी। थैंक यू सो मच।